अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ शेरशाह सूरी गॉट द थ्रोन एंड स्ट्रेंथेंड हिज रूल। स्टूडेंट्स, इसका निशान लगाने के लिए पेज नंबर 19 पर आए। यहाँ पर देखें, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, शेरशाह सूरी कमिंग टू पावर। यहाँ से इसके नीचे से निशान लगाना शुरू करें, आफ्टर द बैनिशमेंट ऑफ हुमायूं, यहाँ से लेकर तो इसकी फोर्थ लाइन तक आए, कॉन्कर्ड द पंजाब, यहाँ तक निशान लगाएं, और फिर ये दो नाम जो हैं इलाकों के उसको अंडरलाइन करें, गखर और जेहलम, जेहलम से पहले एंड लिख लें। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पर आए नीचे, इन 1541, यहाँ से लेकर सेकंड लाइन राजपूताना तक, फिर उसके बाद इस पैराग्राफ की 1, 2, 3 फोर्थ लाइन पर आएँ, फोर्थ लाइन के लास्ट में देखें शेरशाह इनकाउंटर्ड, यहाँ से लेकर पैराग्राफ के लास्ट तक कैपिटल तक, यहाँ तक आपको फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन लिखेंगे आप, नीचे से आंसर स्टार्ट कर देंगे, हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको पढ़ते हैं, आज हाफ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हाफ इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आफ्टर द बैनिशमेंट ऑफ हुमायूं, शेरशाह वाज़ द सोल रूलर ऑफ बंगाल, बिहार, जौनपुर, दिल्ली एंड आगरा। आफ्टर द बैनिशमेंट ऑफ हुमायूं, हुमायूं के जिलावतन होने के बाद या हुमायूं का वतन छोड़ जाने के बाद, शेरशाह वाज़ द सोल रूलर ऑफ बंगाल, बिहार, जौनपुर, दिल्ली एंड आगरा। शेरशाह बंगाल, बिहार, जौनपुर, दिल्ली और आगरा का वाहद हुक्मरान था, ठीक है, सोल रूलर, वाहद हुक्मरान। बट ही वाज फीलिंग द नीड फॉर मोर कॉन्क्वेस्ट टू मेक हिज किंगडम सेफ एंड फ्री ऑफ डेंजर्स। बट ही वाज फीलिंग, लेकिन उसने महसूस किया, वो महसूस करता था द नीड ऑफ मोर कॉन्क्वेस्ट, बहुत ज़्यादा और इलाकों को फतह करने की ज़रूरत को, टू मेक हिज किंगडम, कि वो अपनी सल्तनत को बना सके सेफ, महफूज एंड फ्री और आज़ाद फॉर ऑफ डेंजर्स, खतरों से। इसका बा मुहावरा हुआ कि बट ही वाज फीलिंग द नीड फॉर मोर कॉन्क्वेस्ट टू मेक हिज किंगडम सेफ एंड फ्री ऑफ डेंजर्स, कि वो इस ज़रूरत को महसूस करता था कि और ज़्यादा इलाकों को फतह कर सके ताकि अपनी सल्तनत को महफूज और आज़ाद रख सके खतरों से, यानी खतरों से महफूज और आज़ाद रख सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ही कॉन्कर्ड द पंजाब, गखर एंड जेहलम। स्टूडेंट्स, आपने ये एक लाइन बना लेनी है, यानी पंजाब के आगे आपने कॉमा डालकर गखर लिखना है, फिर उसके बाद आपने एंड जेहलम लिखना है ना, ये आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसने सबसे पहले पंजाब, गखर और जेहलम को फतह किया, ठीक है, कंकर्ड फतह किया। इसके बाद नीचे आए, इन 1541-42 AD आफ्टर कैप्चरिंग बंगाल एंड मालवा, शेरशाह वन मैनी बैटल्स इन राजपूताना। 1541 से 1542 के बाद बंगाल और मालवा को फतह करने के बाद, ठीक है, 1541 और 1542 को मालवा और बंगाल को फतह करने के बाद, शेरशाह वन मैनी बैटल्स इन राजपूताना, शेरशाह ने राजपूताना में बहुत सी जंगें जीती। स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क है, आपने इसको कॉपीज पे लिखना भी है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।